सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम मंगलवार को शहर के जेलहाता में संचालित पलामू जिला दिव्यांग आवासीय विद्यालय का जायजा लेने पहुंचे। विद्यालय पहुंचकर सांसद ने प्रचार शिक्षकों व अध्ययनरत विद्यार्थियों से रूबरू होकर विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को जाना। इस दौरान सांसद ने शौचालय की स्थिति, बिजली और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति समेत बच्चों के लिए जरूरी अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से भी अवगत हुई। पलामू सांसद के साथ मौके पर भाजपा के कई कदावर नेता मौजूद थे। इससे पूर्व दिव्यांग बच्चों ने सांसद को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। तदुपरांत सांसद ने बच्चों के बीच फलों का वितरण किया और विद्यालय परिसर में स्मृति स्वरूप पौधारोपण किया। वहीं प्रेस से मुखातिब होकर सांसद ने कहा कि झारखंड के अन्य जिलों की तरह पलामू जिला में भी दिव्यांग आवासीय विद्यालय संचालित है और वे चाहेंगे कि यहां दिव्यांग बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए उन्होंने पलामू जिला दिव्यांग आवासीय विद्यालय को भी सुविधायुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कहा, बच्चों को यहाँ रहने और पढ़ने लिखने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विद्यालय प्रचार व शिक्षक पलामू आगमन पर उनसे बिना किसी रुकावट की मुलाकात कर सकते हैं। विद्यालय में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए वे हर संभव मदद करेंगे। स्कूल में पहले भी आया हूँ, कई बार आया हूँ और छोटी मोटी जो समस्याएं उस वक्त थी उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था तो उसको दूर करने का हम प्रयास करते थे। लेकिन हमने सोचा कि ये एडहॉक अरेंजमेंट से इस स्कूल का कल्याण नहीं होने वाला, तो क्यों नहीं कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनको रहने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, के भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, कपड़े लत्ते की कोई असुविधा नहीं हो, पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा नहीं हो। यही सोच करके आज के दिन मैं आया हूँ। इसलिए मैंने जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनसे विस्तारपूर्वक बातें की और उसके बाद उनको मैंने आश्वस्त किया है कि इस स्कूल की जो समस्या होगी वो जब कभी हम पलामू में रहें तो आकर के उस समस्या के समाधान के लिए बात कर सकते हैं। और मेरी इच्छा यही है कि ये जो दिव्यांग स्कूल पलामू जिला में चल रहा है, राज्य के अन्य जिलों में भी दिव्यांग स्कूल चल रहे हैं जहाँ पर सरकार के माध्यम से उन्हें सहायता पहुँचाई जा रही है, तो इस स्कूल में भी सरकार के माध्यम से सहायता पहुँचाई जाए और यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा करें, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और उनको कभी भी किसी प्रकार की हीन भावना उनके दिल में नहीं रहे कि वो दिव्यांग हैं। दिव्यांग तो प्रकृति की मान लीजिए देन है या ईश्वर की देन है, तो उसके चलते उनको किसी प्रकार की असुविधा हो खास करके शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ पर जितने भी हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या प्रेस मीडिया के लोग हैं, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी आपके इनके बीच आए हैं।